हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रखर कार्य पुस्तिका क्लास 8 के सब्जेक्ट हिंदी के कार्यपत्रक 10 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 9 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए हैं, आकलन पत्रक 1 और 2 भी देख लिए हैं और बेसलाइन असेसमेंट तो पहले ही देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 10 का सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है, संख्या शब्दों की सहायता से शब्द सीढ़ी बनाइए। यहाँ हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें जो सीढ़ी है, शब्द सीढ़ी, इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ क है घोड़ों के रहने का स्थान, यहाँ ए दे रखा है और लास्ट में ल दे रखा है। यहाँ क्या लिखेंगे, घोड़ों के रहने का स्थान होता है अस्तबल, तो यहाँ लिख देंगे अस्तबल। ख है लकड़ी काटने वाला, कौन होता है लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा, ल से बन जाएगा लकड़हारा। नेक्स्ट गए है राम ने जिनका वध किया, राम ने किसका वध किया था, रावण का, यहाँ रा से बन जाएगा रावण। घे है जंगल का अर्थ है, जंगल का अर्थ होता है वन, तो यहाँ वैसे बन जाएगा वन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, उचित संज्ञा छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे फूल पर ब्लैंक बैठी है, यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है चिड़िया तितली, तो यहाँ संज्ञा शब्द कौन सा आएगा, तितली, फूल पर तितली बैठी है। तो यहाँ इसी तरह से हमें अन्य जो वाक्य हैं उन्हें पूरा करना है उचित संज्ञा छांटकर। तो यहाँ कह दे रखा है रिक्त स्थान खेत में काम करता है माली या किसान, खेत में कौन काम करता है, खेत में काम करता है किसान, यहाँ लिख देंगे किसान खेत में काम करता है। ख है शेर रिक्त स्थान का राजा है दंगल या जंगल, तो यहाँ शेर किसका राजा होता है, जंगल का, तो यहाँ उचित संज्ञा शब्द आ जाएगा जंगल, शेर जंगल का राजा है। गय है रिक्त स्थान बहुत खूबसूरत इमारत है ताजमहल या गुंबद, तो यहाँ उचित संज्ञा शब्द आएगा ताजमहल, ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें व रिक्त स्थान में लिखिए। यहाँ वाक्य दे रखे हैं, संख्या शब्दों को रेखांकित करके हमें रिक्त स्थान में फिल करना है। जैसे यह एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, मैंने एक हाथी पाला है, यहाँ हाथी को रेखांकित किया गया है जो कि संख्या शब्द है और रिक्त स्थान में लिखा गया है हाथी। इसी तरह से हम नेक्स्ट भी करेंगे। नेक्स्ट खे है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, यहाँ संख्या शब्द है गांधी जी और राष्ट्रपिता, दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, दोनों को रेखांकित कर देंगे और लिख देंगे रिक्त स्थान में गांधी जी अल्पविराम राष्ट्रपिता। नेक्स्ट गे है रमेश बहुत समझदार था, यहाँ रमेश को अंडरलाइन कर देंगे जो कि एक संज्ञा शब्द है और रिक्त स्थान में लिख देंगे रमेश। घे है शिकारी जंगल में घूम रहा है, यहाँ जंगल और शिकारी दोनों ही संज्ञा शब्द हैं, तो यहाँ लिख देंगे शिकारी और जंगल, दोनों को अंडरलाइन करना है शिकारी और जंगल को। नेक्स्ट है बगीचे में फूल खिले हैं, तो यहाँ बगीचे और फूल दोनों ही संज्ञा शब्द हैं, तो यहाँ लिख देंगे बगीचे और फूल। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, संज्ञा शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। यहाँ हमें संज्ञा शब्द दे रखे हैं जिनसे हमें वाक्य निर्माण करने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ कह दे रखा है नदी, तो यहाँ लिख देंगे गंगा नदी हमारी पवित्र नदी है। ख है देश, यहाँ लिख देंगे देश की सेवा परम कर्तव्य है। ग है नेता, यहाँ लिख देंगे देश के नेता ईमानदार होने चाहिए। घे है खिलाड़ी, यहाँ लिख देंगे रमेश क्रिकेट का खिलाड़ी है। ने है पहाड़, पहाड़ पर मंदिर है। और चे है इमारत, इससे वाक्य बनाएंगे, यह इमारत लाल पत्थर से बनी है। तो ये था कार्यपत्रक 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हम इसी तरह अन्य कार्यपत्रक आकलन पत्रक के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।